गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग विद ज्योति। तो मैं हूं ज्योति। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ साड़ी के आउटफिट जो मैंने पुरानी साड़ियों से क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी साड़ियां हो तो आप इसे इस तरीके के आउटफिट बनवा सकते हैं, जैसे श्रग हो गया, स्कर्ट हो गया, नारकली, ये सारी चीजें आप उससे क्रिएट करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड अगर आप इनमें से क्रिएट करवाएं तो आप मुझे इंस्टा पे टैग कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पे फोटोज शेयर कर सकते हैं, मैं उसे अपनी स्टोरी पे शेयर करूंगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइलिंग विद ज्योति, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। एंड मुझे आप सबके साथ में एक बात शेयर करनी है जो मैंने सोची हुई है आप सबके लिए, तो उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो है वो है एक श्रग है, आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का स्लीवलेस श्रग है। इसको आप जैकेट की तरह भी पहन सकते हो एंड ड्रेसेस की तरह भी पहन सकते हैं। अगर इसको आगे से बंद कर ले तो एक ड्रेस का लुक भी देगा। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का है। इसमें जो साड़ियों में डिजाइन थी, साड़ी की फोटो मैं साइड में लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं इसका जो साड़ी का लुक है ये कुछ इस तरीके का था। तो इसमें जो बहुत बड़े बड़े प्रिंट बने थे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको कलियों में डिवाइड कर दिया और ऊपर वाले जो प्रिंट थे वो मैंने निकाल दिए। बाकी के नीचे के जो प्रिंट थे वो थोड़े अच्छे लग रहे थे, तो उस प्रिंट से मैंने इसको कलियों में बना के पूरा कट करके लगा दिया है। अभी आप देख सकते हो इसमें पूरी की पूरी साड़ी मैंने यूज कर दी है, जिससे कि इसमें ना बहुत ही ज्यादा फ्लेयर आ गया है। तो आप देख सकते हो इसमें लगभग 3-4 मीटर का घेरा है, तो ये आराम से आप एक अनारकली का लुक भी दे सकते हैं। एंड इसमें मैंने जो ऊपर का बॉडीज बनाया हुआ है वहां पे मैंने जो पल्लू का एरिया था वो मैंने यूज किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो जो पल्लू का एरिया था वो मैंने इसके ऊपर साइड में यूज किया हुआ है, बाकी की जितनी भी साड़ी थी वो मैंने पूरा नीचे के फ्लेयर में यूज कर लिया है। तो अगर आपके पास इस तरीके की कोई प्रिंटेड साड़ियां हो तो आप उनके मतलब इस तरीके के श्रग बनवा सकते हो। इस तरीके के जो जैकेट्स होते हैं इन्हें आप प्लाजो के साथ में, साड़ियों के साथ में या फिर सूट, कुर्ती, जीन्स सबके साथ में स्टाइल कर सकते हो, बहुत स्टाइलिश लगते हैं। एंड अगर आप जैसे विंटर में पहनना चाहते हो तो आप इनमें स्लीव्स लगवा सकते हो। तो मैंने इसमें स्लीव नहीं लगाई है क्योंकि इसमें मैंने जितना भी कपड़ा था वो सारी चीजें मैंने इसके फ्लेयर में यूज कर दी है, क्योंकि मुझे इसे स्लीवलेस बनवाना था तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया हुआ है। एंड आप इसका पूरा जो लुक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। So guys, second जो है वो है एक ये मरून अनारकली लहंगा मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने साड़ी से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास एक रेड कलर की साड़ी थी, तो इससे मैंने पहले एक अनारकली बनाया हुआ था जो मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट था एंड मैंने आपको शेयर भी किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो आई बटन पे मिल जाएगा। तो पहले मैंने इसको अनारकली बनाया हुआ था। अनारकली के बाद में जब अनारकली मैंने एक दो बार पहन लिया तो उसके बाद मैंने उसको कट करके इस तरीके से स्कर्ट बना दी, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसको स्कर्ट बना दी थी। ये पूरा का पूरा जो साड़ी थी वो पूरी प्लेन थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी कि मतलब प्रिंट कहाँ पे जाएंगे, एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे जाएगी। तो इस तरीके की जो प्लेन साड़ियाँ होती हैं बिल्कुल एक प्रिंट पे होती हैं, उस तरीके की साड़ियों को ना आप इस तरीके से स्कर्ट बनवा सकते हो। तो इस तरीके के जो स्कर्ट होते हैं आप एज ए लहंगा पहन सकते हो या फिर स्कर्ट भी पहन सकते हो। तो भी आप देख सकते हो उसको मैंने लहंगे की तरह भी पहना हुआ है एंड इसको मैंने इस तरीके से वेस्टर्न लुक में भी स्टाइल किया हुआ है। तो इस तरीके से आप साड़ियों को कलियों में कटवा सकते हो, जैसे भी आप देख सकते हो इसमें मैंने कलियां लगवा रखी हैं। एंड इसके नीचे जो मैंने लाइनिंग यूज की हुई है वो मैंने की हुई है इस तरीके से, एक सिल्क की लाइनिंग लगाई हुई है, शांटून या सिल्क जो भी आप लगाना चाहें लगवा सकते हैं। तो लाइनिंग में जो कपड़ा यूज हुआ है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कि आपके जो स्कर्ट का फ्लेयर है वो कितना है। तो जैसे इसमें जो कलियां लगी हैं वो लगी हैं कम से कम 18 से 20 कलियां हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है मैंने कितनी कलियां काटी हुई हैं, तो लगभग 18 से 20 कलियां तो मैंने इसमें लगाई हुई हैं। तो उसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा फ्लेयर आ रहा है, तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा फ्लेयर है। तो इसके लिए मैंने इसमें जो लाइनिंग का मतलब जो अस्तर का कपड़ा लगाया हुआ है वो मैंने लगभग 4 मीटर लगाया हुआ है एंड उसे मैंने ना फुल सर्कुलर में काटा हुआ है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा घेरा आ जाता है और काफी अच्छा लगता है। तो आप जितने भी घेरादार बनाएंगे उतना ही ज्यादा प्यारा लगता है। तो आप साड़ियों से इस तरीके के स्कर्ट को क्रिएट करवा सकते हैं। तो भी आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो कैसा आ रहा है। अब रात
pásame toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. So guys, number 3 जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. ये मेरी क्लाइंट ने बनवाया है तो इसलिए ये आउटफिट मेरे पास है नहीं क्योंकि वो लेके जा चुकी है तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई थी तब. तो अभी मैं आपके साथ में इसकी डिजाइनिंग वगैरह शेयर कर सकती हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई साड़ियाँ हो तो फिर आप इसे बनवा सकते हैं. ये काफी पुरानी साड़ी थी तो इसके जो पल्लू पे अभी आप देख सकते हो इसके पल्लू पे इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी तो काफी अच्छी लग रही थी. तो मुझे इसको वेस्ट नहीं करना था, मतलब अगर मैं इसको कट कर देती थोड़ी बहुत यूज कर देती तो ये फिर पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता. तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसके जितने भी पल्लू के नीचे की एम्ब्रॉयडरी थी वहां पे मैंने इसको एक फ्लेयर स्लीव्स में कट कर दिया जिससे कि इसकी पूरी साड़ी में जो पल्लू है वो पूरा का पूरा यूज हो जाए. तो इस तरीके से मैंने इसमें स्लीव्स दे दी है. अभी आप देख सकते हो स्लीव देने के बाद में इसके जो नीचे के किनारे पे थोड़े बहुत ऐसे डिजाइन बने हुए थे वो मैंने पहले कट करके निकाल लिए थे डिजाइन ताकि हम इसको एज अ बॉर्डर या फिर एज अ लेस यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जैसे श्रग के ऐसे मैंने आगे का जो जैकेट का मतलब पार्ट होता है वहां पे मैंने इसको एक गोटा पत्ती की लेस अटैच करके इन दोनों को साथ में इस तरीके से रख के ब्यूटीफुल सा अच्छा सा लेस बना दिया और इसे इस तरीके से पट्टी की तरह यूज कर दिया है. तो अभी आप देख सकते हो इस श्रग का जो मतलब लुक है वो कुछ इस तरीके का है. मैं आपको उसका ट्राई ऑन नहीं दिखा सकती क्योंकि ये हमारी क्लाइंट का था तो हमारे पास है नहीं, पर आप इसे इस तरीके से इसके डिजाइनिंग को देख के समझ सकते हैं. एंड गाइस इसका मैंने स्टिचिंग भी का वीडियो भी बनाया हुआ है जो कि मेरे स्टिचिंग चैनल पे है. तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं. उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई बटन में भी मैं उसका लिंक लगा दूंगी जिससे कि आपको वहां तक जाने में आसानी हो जाए. एंड इसके बाकी का जो साड़ी का पार्ट बचा हुआ था उस पर हमने एक प्लाजो बना दिया. जैसे कि आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल फ्लेयर प्लाजो है, फुल मतलब सर्कुलर प्लाजो है. एंड इसके नीचे हमने क्या किया है, हमने गोटा पत्ती की पट्टियां कुछ यूज कर दी है और उसमें एक लेस लगा दी है जिससे कि इसका जो लुक है वो काफी ब्यूटीफुल सा आ रहा है. एंड बाकी आप इसे किसी भी जैसे ब्लाउज के साथ में या फिर टॉप के साथ में इसे पहन सकते हैं. तो हमने इसमें जितना भी कपड़ा बचा हुआ था उसका हमने स्लीवलेस क्रॉप टॉप बना दिया है और जिससे कि इसका जो ओवरऑल लुक है वो कम्प्लीट हो चुका है तो काफी अच्छा लगता है इस तरीके से. तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी बहुत ज्यादा वर्क वाली साड़ियां हो तो उसमें आप थोड़ी बहुत चीजें अटैच करके बनवा सकते हैं. तो जैसे कि आप श्रग में तो आपको लाइनिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं तो उसमें आपको कुछ नहीं लगवाना है. एंड जैसे कि आपको प्लाजो में लाइनिंग की जरूरत है तो आप उसमें कॉटन भी लगवा सकते हैं, पर कॉटन क्या होता है कि उसमें अच्छा फ्लेयर नहीं आता, फॉल नहीं आता है. तो आप कॉटन की जगह पे जैसे कि शैंटून, सिल्क, क्रेप, इन सारे जो फैब्रिक होते हैं इनकी जो लाइनिंग है वो लगवा सकते हैं. तो यहाँ पे हमने जो लाइनिंग यूज की हुई है वो हमने शैंटून की हुई है. तो लाइनिंग के लिए हमने जितना कपड़ा लिया है वो है 2 मीटर. तो 2 मीटर में इसकी पूरी की पूरी जो लाइनिंग है वो कंप्लीट हो गई है. तो इस तरीके से इसका जो पूरा लुक है वो साड़ी से हमने क्रिएट कर दिया और साड़ी को एक ब्यूटीफुल सा लुक दे दिया है. तो अगर आप इसे बनवाना चाहें तो आपके पास ऐसी कोई साड़ी हो तो आप इस तरीके से इसे बनवा सकते हैं. सो गाइस नेक्स्ट जो है वो है एक जैकेट है, श्रग भी है, अभी आप देख सकते हो. तो ये जो साड़ी थी ये काफी पुरानी साड़ी थी, ये लगभग 18 से 20 साल पुरानी साड़ी थी. तो इसका जो फैब्रिक है वो सिल्क का फैब्रिक है एंड इसके नीचे पूरी साड़ी में इस तरीके से प्रिंट बने हुए थे. अभी आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट बने हुए थे एंड प्रिंट में इस तरीके से थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी की गई है. ऐसे देख सकते हो आप एक डोरी की मतलब एम्ब्रॉयडरी की गई है इस तरीके से, काफी अच्छी लग रही है. तो यहाँ पे जो ये प्रिंट है काफी अच्छा लग रहा था. तो इसमें इसका जो वो था मतलब कि डायरेक्शन था तो वो नीचे से ऊपर को था. तो जब डायरेक्शन वाले प्रिंट होते हैं हमारे पास चॉइस नहीं होती ना कि हम उसे किसी भी तरीके से बना सकते हैं. तो इसमें जो डायरेक्शन था वो नीचे की तरफ था तो इसको हम सर्कुलर में भी नहीं काट सकते थे, कलियों में भी नहीं काट सकते थे. तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इस पे यहाँ पे इस तरीके से प्लीट्स दे दी. अभी आप देख सकते हो इस तरीके से प्लीट्स दे दी जिससे कि इसका नीचे का जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके का आ जाए तो काफी अच्छा लगता है. तो इस तरीके से मैंने पूरी साड़ी का इस तरीके यहाँ पे प्लीट्स दे दी एंड जो नीचे का पार्ट था उसकी मैंने इतनी सी स्लीव्स दे दी एंड बाकी का जो ऊपर का प्रिंट था, जो छोटे छोटे प्रिंट थे उसका मैंने इस तरीके से बेल स्लीव बना दी है. अभी आप देख सकते हो तो इस पे बेल स्लीव बनाई है. तो इस तरीके की जो जैकेट्स होती है ना इन्हें आप विंटर में आराम से स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही प्यारे लगते हैं. एंड इसके आगे यहाँ पे मैंने गोटा पत्ती की लेस दे दी है. अभी आप देख सकते हो
तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से गोटा पत्ती की लेस दे दी है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत मतलब कुछ चीजें अटैच करवा के पुरानी चीजों को नई चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। तो इस तरीके का जो श्रग है इसे भी आप साड़ी के साथ में पहन सकते हो, जैसे जीन्स के साथ में भी पहन सकते हैं। एंड इसको मैंने जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लैक स्कर्ट के साथ में पहना हुआ है, तो इसका जो लुक है वो काफी अच्छा आ रहा है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी साड़ी हो, सिल्क की हो, जॉर्जेट की हो, तो आप इस तरीके की जो साड़ियाँ होती हैं इनके साथ में आप जैकेट्स भी क्रिएट करवा सकते हैं, जिनमें जिस तरह के नीचे के प्रिंट होते हैं ना, तो आप इनमें जैकेट भी बनवा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट जो है ये लास्ट है, तो आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का एक अनारकली सूट बनाया हुआ है मैंने। तो इस साड़ी का जो फैब्रिक था ये तुषार सिल्क था, एंड इसके नीचे इस तरीके से बहुत ही चौड़ा सा बॉर्डर दिया गया था इस तरीके से। तो इसमें ना बॉर्डर बहुत चौड़े थे, दोनों ही तरफ बहुत चौड़े चौड़े बॉर्डर थे, तो जिसमें इसमें बहुत ज्यादा कलियां निकाल पाना थोड़ा मुश्किल था। तो इसमें लगभग 10 कलियां निकली हुई हैं, तो 5 आगे 5 पीछे कलियां लगी हुई हैं, तो इस तरीके से। एंड इसमें ये साड़ी पहनी नहीं गई थी, तो जिसकी वजह से इसके साथ में इसका ब्लाउज भी अटैच था। तो ब्लाउज का जो फैब्रिक था वो कुछ इस तरीके का था, अभी आप देख सकते हो उसका प्रिंट जो है वो थोड़ा सा अलग था। तो हमने क्या किया कि हमने इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक था उसका हमने इसका बॉर्डर्स बना दिया, ब्लाउज का पार्ट बना दिया, एंड बाकी की साड़ी थी उसका हमने कलियां बना दिया, क्योंकि ब्लाउज का जो पार्ट था वो हमें मिल जाने की वजह से कलियां थोड़ी ज्यादा निकल गई, वरना हमें अगर बॉर्डर्स भी बनाना होता तो इतनी ज्यादा कलियां और इतना ज्यादा फ्लेयर नहीं आ पाता, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे ब्लाउज का फैब्रिक यूज किया। आगे हमने ऐसे स्वीटहार्ट सा नेक दिया हुआ है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्वीटहार्ट नेक दिया हुआ है, एंड बैक में हमने राउंड नेक दिया हुआ है इस तरीके। एंड इसकी स्लीव्स जो है वो फुल स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स में हमने जो नीचे कलियों में कपड़ा लगा हुआ था वो प्रिंट हमने इसकी स्लीव्स पे लगा दिया, एंड नीचे यहाँ पे हमने ये बॉर्डर अटैच कर दिया जो कि इसमें बॉर्डर था, तो जिससे कि इसकी जो लेंथ है वो काफी बड़ी हो गई और इसका जो लुक है वो काफी अच्छा आ गया। एंड यहाँ पे हमने इसकी नेक पे ब्लैक कलर की पाइपिंग दे दी है, इसमें हमने अलग से कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ हमने इसमें लाइनिंग यूज की हुई है। तो लाइनिंग हमने जो यूज की हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें फ्लेयर के हिसाब से लाइनिंग लगानी चाहिए, तो जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा फ्लेयर थे नहीं, उसमें लगभग 20 कलियां लगी हुई थी और इसमें उसकी आधी लगी हुई थी, तो इसमें हमने जो लाइनिंग यूज की हुई है वो हमने 2 मीटर यूज की हुई है। तो 2 मीटर हमने यहाँ पे इसमें सिल्क की लाइनिंग यूज की हुई है, अभी आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके की लाइनिंग। एंड लाइनिंग के नीचे हमने क्या किया, बॉर्डर जोड़ दिया, जैसे कि अभी चलने पे भी इसको लगेगा ना कि ऐसे कि डबल लेयर है, इसमें हमने डबल लेयर करके बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें जो ये बॉर्डर का कपड़ा था ये काफी ज्यादा था, क्योंकि दोनों तरफ बॉर्डर लगे हुए थे और हमें ऊपर में बहुत ज्यादा घेर था नहीं, तो जो बाकी का बॉर्डर बचा था वो हमने नीचे लगा दिया इस तरीके से, तो उसका जो लुक है वो काफी अच्छा आने लगा। एंड इसके साइड में इस तरीके से हमने यहाँ पे जिप दे दी है, जिससे कि इसकी जो फिटिंग है वो काफी अच्छी आ जाए। तो जिप देने से क्या होता है कि इसकी फिटिंग जो है वो अच्छी आ जाती है, और मतलब पहनने पे भी कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होती है, तो आप इस तरीके से जिप वगैरह लगवा सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो जैसे कि हमने बैक में इस तरीके का नेक दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने कोई डोरी वोरी नहीं लगाई है, तो आप इसमें थोड़े भी टेसल्स वगैरह लगवा सकते हैं, काफी अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सिल्क वगैरह जॉर्जेट ऐसी कोई साड़ी हो जिनमें चौड़े बॉर्डर हो, तो आप सोच रहे होंगे कि बॉर्डर का क्या करें, तो आप इस तरीके से इसको अनारकली में बनवा सकते हैं, बॉर्डर को आप नीचे लगवा सकते हैं, या फिर बॉर्डर का यूज आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं, अगर आप ऐसा बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। एंड ये हमारी क्लाइंट का कपड़ा है जो कि हम इसे ट्राई ऑन नहीं कर सकते हैं, तो इसका ओवरऑल जो लुक है वो मैं आपको एक फोटो दिखा सकती हूँ, इसका ट्राई ऑन नहीं कर सकती हूँ। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और गाइस मैंने आप सबसे कहा था कि मुझे आपके साथ एक बात शेयर करनी है, तो वो ये है कि अगर आपके पास पुरानी साड़ियाँ रखी हैं और आप उन्हें रीयूज करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उनका क्या बनवाएं कैसे बनवाएं, तो आप उस साड़ी की जो फोटो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आप मुझे उस फोटो में टैग कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जिससे कि मेरे अकॉर्डिंग उसका जो कुछ भी बन रहा होगा मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। और अगर आपको पसंद आता है और आप उसमें से कुछ भी बनवाते हो तो आप उसको मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर आप मुझे टैग कर सकते हैं। एंड मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो है स्टाइलिंग विद ज्योति, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।